5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद तहरीक आज़ादी कश्मीर एक नए फेज में दाखिल हो चुकी है। भारत ने अपना आखिरी पत्ता खेलते हुए कश्मीरियों को बज़ोर शमशीर अपना ताबे बनाने की कोशिश की, लेकिन वो भूल गया कि आज़ादी की तहरीकें कभी जुल्म से ख़त्म नहीं होती। कश्मीर मीडिया सर्विस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 अगस्त 2019 से 30 सितंबर 2021 तक 442 कश्मीरी शहीद किए जा चुके हैं, जिनमें 67 कस्टोडियल किलिंग का शिकार हुए। उसके अलावा 2136 अफराद को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि 584 अफराद पैलेट गन्स का शिकार हुए, जिनमें से 2 की आंखें जो हैं वो ज़ाया हो गई। इसी तरीके से 24 अफराद ऐसे हैं जिनकी एक आंख या दोनों आंखें जो हैं वो जख्मी हुई। इस असना के अंदर तकरीबन 15,400 अफराद को गिरफ्तार किया गया, घरों को 1,040 घर जलाए गए, 26 ख्वातीन को बेवा किया गया, 67 के करीब जो बच्चे हैं वो यतीम हुए, जबकि 116 ख्वातीन की आबरू रेजी की गई। भारतीय हुकूमत, भारतीय अफवाज इस वक्त इंसानियत के तमाम असूल जो हैं वो भुला चुके हैं। भारत ये समझता है कि उसके जुल्म से शायद कश्मीरी फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो थम गया, और हमने मोदी की गवर्नमेंट में देखा कि इस फैसले के बाद उसने गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल देने शुरू कर दिए। इसके अलावा जो कॉर्डन ऑपरेशंस जो हैं उनके अंदर इजाफा हुआ, और कॉर्डन ऑपरेशन में आपको बताता चलूं कि भारतीय फ़ौज आती है, एक जगह का मुहासरा करती है, वहाँ पर औरतों बूढ़ों के साथ बदतमीज़ी करती है, उनके साथ गैर अखलाकी तौर पर पेश आती है, जिसकी वजह से नौजवान जब गुस्से में आते हैं तो उन्हें मिलिटेंट बना के क्लियर करके गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इन तमाम के बावजूद हम देख रहे हैं कि इस वक्त तहरीक आज़ादी में आज़ादी कश्मीर में तेज़ी आ रही है, जिसकी मिसाल पिछले हफ्ते हमने देखा कि 2 मुकाबलों के अंदर 12 के करीब भारतीय फौजी जहन्नम वासिल हुए। दूसरी तरफ अगर देखें तो जो 5 अगस्त का फैसला है उसकी वजह से चीन भी गुस्से में है, और उन्होंने भी लद्दाख के ऊपर जो अपने क्लेम्ड एरियाज या इस पर कब्जा करने की शुरू कर दिए, और अब यूं महसूस हो रहा है जिस तरह चाइना ने कहा भी है कि ये मामला जो हैं अब चाइना की सॉवरेनिटी का मसला है, इस वजह से चाइना इन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। और हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तानी फौज और उसके जो जर्नैल हैं इस वक्त काफ़ी प्रेशर के अंदर हैं। इसी तरीके से कश्मीर के अंदर भी आग तेज़ हो रही है, ये समझ रहे थे लोगों को शहीद करके दहशतगर्द भारत से ला के हिंदू जनूनी भारत में ला के कश्मीरियों को जो है दबा देंगे, जिसमें ये सख्त नाकाम हुए। एक और चीज़ जो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि गैर कश्मीरी और गैर मुस्लिम्स के ऊपर हमले शुरू हो गए हैं, और जिनका ज़्यादातर क्रेडिट जो है वो दाइश ले रही है। तो दाइश हम सब जानते हैं कि ये भारतीय दिमाग की इख्तरा है, और भारत इसे यूज़ करके ये दुनिया को इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है, ताकि वो जो हुर्रियत तहरीक हुर्रियत है उसको दहशतगर्दी की तहरीक जो है वो कर सके। लेकिन किस हद तक वो कामयाब होगा, इसी पे हम बात करेंगे कर्नल असद महमूद जो दफाई तजिया कार हैं। मानो रहीम, मैं हूँ मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान, और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल असद महमूद। सर, पहला सवाल जो मैं आपसे करूँगा, मकबूजा कश्मीर की हालत एक दफा फिर खराब हो रही है। तकरीबन 1 मिलियन इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पे मौजूद हैं, यानी कि 1 मिलियन का मतलब है पाकिस्तान आर्मी की टोटल स्ट्रेंथ से ज्यादा लोग इस वक्त वहां पे मौजूद हैं, और उसके बाद भी ये हालात है कि एक हफ्ते के अंदर 2 एनकाउंटर्स होते हैं राजौरी के अंदर, और जो है और पता चलता है कि 12 स्पाई मारे गए और जिनमें कुछ अफसर भी मौजूद हैं, तो किस साइड पे हालात जा रहे हैं कश्मीर के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिलाल साहब थैंक यू वेरी मच। सर्टनली बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और मेरा ख्याल है इसके ऊपर हमें बड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, बिकॉज वो पूरी दुनिया के अंदर भी एंड विद इन पाकिस्तान जिस तरह के इवेंट चल रहे हैं, तो वन फेज के जैसे कश्मीर एक साइड पर चला गया विदाउट रियलाइजिंग कि कश्मीर एक्चुअली वो छोटा सा एक वो पोर्शन है जो कि बेसिकली पाकिस्तान का बनता है, और 1947 से उस पर गासिबाना कब्जा जो है वो इंडिया का है। आप एक और आपने वो बात कीजिए कि 10 लाख इंडियन आर्म फोर्सेस जो है वो वहाँ पर मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेस और रेगुलर आर्मी जो है वहाँ पर मौजूद है,
आप ये देख लें कि नेटो ट्रूप्स एट बेस्ट जब अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थे तो उनकी तादाद 1.5 लाख को एक्सीड नहीं की, 143,000 तक रहे। थोड़ा सा और आगे चले जाएं, जब इवन नेटो ट्रूप्स और अमेरिका जो है जब वो उधर पहुंचे इराक के अंदर भी, तो वहां पर भी उनकी स्ट्रेंथ किसी स्टेज के ऊपर भी 1.5 लाख को क्रॉस नहीं की। और उसको जब इन कंपैरिजन यहां लेकर आते हैं इलीगल इंडियन ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर की अगर हम बात करें, तो यहाँ तो 10 लाख अभी कुछ उन्होंने कम किए, कोई 1.5 लाख की तादाद, बट स्टिल एट द मोमेंट दे आर प्लस ऑफ 8 लाख ट्रूप्स जो प्रॉपर वहां पर कश्मीर में उन्होंने तैनात किए हैं। और पर्पस तो सिर्फ एक ही है कि दो जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 के जिस तरह के इकदाम किए थे, आज उसको भी आलमोस्ट को 2.25 साल हो गए हैं, तो उनको बिल्कुल कुव्वत के साथ, रियासती जबर तशद्दुद के साथ और वट एवर फोर्सेस और नेगेटिविटी जो कि अवेलेबल है, बीजेपी की बात करते हैं या आरएसएस को बात करते हैं, शिवसेना को बात करें, ये सारे के सारे लोग इनके पीछे हैं। और मकसद एक ही है कि उनको दबा के रखना, उनकी विल को तोड़ना। और सर्टरी जब उन्होंने उसका जो स्पेशल स्टेटस था वो तो उन्होंने खत्म कर दिया 35A और 370 को, अब तो आप हाल ये है कि ऑलमोस्ट कहते हैं कि ऑलमोस्ट को 20 लाख से ज्यादा तो वो डोमिसाइल इशू कर चुके हैं बीजेपी की हुकूमत वहां पर। और जो यानी कि इससे पहले होता था कि जमीन सिर्फ वही खरीद सकते थे कश्मीर के अंदर जो कि वहां के शहरी हों, अब तो जो है इंडिया का कोई भी शहरी है वो वहां जाके अपनी जमीन खरीद सकता है, वहां पर एजुकेशन हासिल कर सकता है, वहां पर मुलाजमत हासिल कर सकता है। सो आप ये देखिए ना कि आप यानी कि 1947 ऑनवर्ड, 27 अक्टूबर ऑनवर्ड से आप ले लें कि जिस तरीके से ओके जी जवाहरलाल नेहरू ने इन सारे चीज़ों को, इन कश्मीर के लोगों को और स्पेशली वो लोग जो कि सेल्फ सेंटर्ड थे, आप शेख अब्दुल्ला की बात करें, महबूबा मुफ्ती के जो पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, अगर आप उनकी बात करते हैं तो देवर दीवान की जी उन्होंने कहा नहीं हम तो यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने आलमोस्ट कोई 72-73 साल तक उनको इसी तरह का मुख्तलिफ तरह के अहदे दिए, उन्होंने कहा जी कि नहीं आपका कश्मीर आप इसको चलाइए। और फिर वो सारी चीज़ों को मजबूत करते करते जब 2019 पहुंचा तो ये तो लॉन्ग चैरिश डिजायर थी नरेंद्र मोदी की, आपकी बात करते हैं, और आरएसएस का कि जी नहीं हमने हर हाल में जो स्पेशल स्टेटस है कश्मीर का वो उसको ख़त्म करना चाह रहे थे एंड दे डिड दैट। पिछले जो पहला एनकाउंटर था 5 साल का उसके अंदर दे केप्ट ऑन प्रिपेयरिंग, दे डिडंट टेक दैट काइंड ऑफ एक्शन। और जो उनका सेकंड टेन्योर की जो एक्चुअली मैं आपसे कहूं कि जो वो काम कर रहे थे जिसके ऊपर वो वही था कि जी हर हाल में उन्होंने जो स्पेशल स्टेटस था उसको रिवोक करना था और वो उसको एक लिहाज से उसको हिस्सा बनाना था इंडिया का, सर्टली वो उन्होंने किया। बट जनरली मैं ये आपसे कहूंगा 80 लाख की आबादी है जो कि उन्होंने उसको इस तरीके से मुकैद किया हुआ है जैसे एक ओपन जेल होती है। और आप ये देखें, आप पूरी दुनिया के अंदर चले जाएं, मैं इराक की एग्जांपल दी आपको, मैंने आपको एग्जांपल कोट की इवन अफगानिस्तान की भी, जिस तरह के जालिमाना कवानीन वहां पर मौजूद हैं टाडा की शक्ल के अंदर, कोटा की शक्ल के अंदर, अफ्सपा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की बात करें, इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उनका आता है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, यानी यू कीप ऑन नेमिंग, और रफली कोई 12 से ज्यादा कवानीन हैं जिनका सारे का सारा फोकस बेसिकली कश्मीर की जद्दोजहद आजादी को ओप्रेस करना है, दबाना है, उसको खत्म करना है, लोगों की हिम्मत को तोड़ने की कोशिश वो कर रहे हैं। बट प्रैक्टिकली टॉकिंग ये कवानी तो पहले से चले आ रहे हैं, यानी अगर आप ये देखें 1989 ऑनवर्ड आज के अगर आप बात करते हैं तो रफरी जो वहां पर शहादतें हो चुकी हैं दे आर ओवर 1 लाख, यानी 1 लाख से ज्यादा तो कश्मीरी नौजवान माएं बहने बेटियां बच्चे पूरे उन्होंने शहादत दी है अपने कश्मीर के लिए। और उससे हटके भी आप देखें इस वक्त स्पेशल 5 अगस्त के जिस तरह के उनके इकदाम थे और जिस तरह उन्होंने कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगाया और फिर उसको अपना एक लिहाज से एरिया डिक्लेयर किया, इंडिया की स्टेट में उसको कन्वर्ट किया और उसको नई दिल्ली के नीचे डायरेक्टली एक लिहाज से लेकर आए, और फिर जिस तरह के इकदाम उन्होंने किए वहां पर इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों की बात करें आप, इसके बाद वहां पर मतलब आप यू नेम एनीथिंग, वहां पर इंसानी हकूक से हट के जो उनकी मुलाजमतों की आप बात करते हैं, उनके एजुकेशन की बात करते हैं, उनके रोजगार की बात करते हैं, खेती बाड़ी की बात करते हैं,
और फिर उसी के साथ आप देखें ना पूरी दुनिया, पाकिस्तान के अंदर कोई छोटा सा काम हो जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, पूरा इंटरनेशनल मीडिया के जो कर्ता धरता है वो दुम पे खड़े हो जाते हैं कि जी देखो पाकिस्तान ये सारा कुछ हो गया। क्या कोई एक इंटरनेशनल जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक का या प्रिंट का है, या वो ओके सोशल मीडिया यूजर्स कैन दे एंटर बेसिकली इन दैट एरिया? व्हाट टू टॉक ऑफ एक मीडिया की बात करें, वहां पे तो कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है वो वहां पर नहीं जा सकता। दिस इज द सिचुएशन। आपने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है, और पिछले स्पेशली एक दो हफ्तों के अंदर उनके अंदर जिस तरह की फौज के ऊपर अटैक हुए, सर्टली एक 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 तो कंफर्म बात ये है कि कश्मीरियों ने किसी सूरत के अंदर इंडियन तसल्लत को कबूल नहीं किया। वाई? बिकॉज जब वो इंडिया को देखते हैं, उनके जालिमाना कवानीन को देखते हैं, और इन कंपैरिजन जाते हैं पाकिस्तान के साथ जो आज़ाद कश्मीर है, जब यहाँ के लोगों को देखते हैं, यहाँ के हालात को देखते हैं, पूरी दुनिया के साथ आज़ाद कश्मीर का मिलना जुलना देखते हैं, आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों का आना जाना देखते हैं, सयाहत को देखते हैं, इसको कंपैरिजन के अंदर लेके जाते हैं इलीगल इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को, तो दे फील के एक्चुअली दे आर नो वेयर इन द वर्ल्ड। तो ये बिलाल साहब बड़ी जालिमाना, मैं समझता हूँ कि ये हकीकतें हैं जो कि पूरी दुनिया ने आंखें बंद की, चाहे अमेरिका की बात करें, नेटो की बात करें, यूरोपियन यूनियन को आप ले लें, पूरी दुनिया का मीडिया उठा के देख लें, OIC की आप बात कर लें, इवन SCO की भी बात कर लें, यू नेम एनीथिंग, ऐसा लगता है कि जैसे कश्मीरी जो हैं, या कश्मीरी भी नहीं हमें कहना चाहिए, इंसानियत के ऊपर जो जुल्म हो रहा है इलीगल इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, वो तो आप वुड सिंपली से कि वो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया के अंदर वो कश्मीरी तो या वो मुसलमान तो रहते नहीं, या वो इंसान ही नहीं बसते बेसिकली, वो 80 लाख लोग हैं। दैट इज व्हाट द क्रुएलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड इज। बट यही मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, जो आपका बुनियादी सवाल है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर, हाँ अब ये चीजें तेज होने जा रही है, उसकी दो 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 वजूहात है। एक तो उनको जिस तरीके से ऑप्रेस किया जाता है, जिस तरीके से उनको गायब कर दिया जाता है, यानी आप इमेजिन करें इस वक्त भी 16,000 से ज्यादा नौजवान वो हैं पूरे इंडिया के, या तो तूल वर्ष के अंदर जेलों में मौजूद है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि उन कवानीन की आड़ लेके वो किसी को गिरफ्तार करते हैं तो दे आर नॉट बाउंड के जी नहीं 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, बल्कि वो तो 2 साल तक तो दे आर नॉट बाउंड, दे डिक्लेयर भी नहीं करते कि वो उन नौजवानों को कहाँ लेके गए। आई वुड सिंपली से आप, मतलब आप जब ये सारी चीजें देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, आपको समझ नहीं आता कि ये हम किस दौर के अंदर रह रहे हैं, मतलब इस 21st सेंचुरी के अंदर रह रहे हैं, हर फॉर दैट मैटर 8वीं 9वीं सेंचुरी के अंदर रह रहे हैं, जहाँ पे इंसानियत का किसी तरह का कोई गुजर नहीं था। सर यहाँ पे ये वो जालिमाना, यहाँ पे मैं दरमियान में आऊंगा सर, कौन सा जुल्म है? नाजी जर्मनी की हम बात करते हैं, मुजालिम बयान करते हैं, तो वो भारतीय जो हुकूमत इस वक्त कर रही है बिल्कुल बचकाना वो मुजालिम लगते हैं जो नाजीज ने किए। एक आपको याद होगा 2019 में खबर आई थी कि शोपियां के इलाके के अंदर इंडियन आर्मी ने नौजवान लड़के पकड़े सिर्फ डिफेंस कायम करने के लिए, और उनको बुरे तरीके से टॉर्चर किया गया, और टॉर्चर करते हुए लाउड स्पीकर्स जो हैं वो ऑन कर दिए गए कि पूरा इलाका सुने और उनको आए। आप जानते हैं कि 90s के अंदर कुशान पुशपुरा के अंदर इंडियन आर्मी आई, उन्होंने एक गांव पूरे का पूरा उसको जो है कॉर्डन किया, उसके बाद 6 साल से लेके 90 साल की जो औरतें थी उनके साथ गैंग रेप हुआ, और पूरी दुनिया में ये आवाज उठाएगी, लेकिन फिर वो सब चीजें नॉर्मल हो गई, किसी का ख्याल नहीं आया कि इतनी बड़ी बड़ा जुल्म हो रहा है कि जिसका कोई मिसाल नहीं मिलती है। तो सर वो कौन सी ऐसी ताकत है जिसकी वजह से भारत का हर जुल्म जो है कश्मीरियों को बाउंस बैक करवाता है, ना कि उनके प्लान के मुताबिक, या जो उनकी एक हिंदू तवा की सोच है उनका मुराल कम करता है? देखिए उसके दो बहुत सारे वजूहात हैं। एक तो आपको जो इंडियन फ्रस्ट्रेशन नजर आती, इंडियन जुल्म नजर आते हैं, और ये जहन में रखिएगा जब कहीं जुल्म होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो उसका रिएक्शन भी उसी शिद्दत के साथ आता है। यही सिचुएशन इस वक्त आप देख रहे हैं इंडियन इलीगल इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। अच्छा जो मैंने आपसे कहा था ना, एक तो इंडियन अट्रॉसिटीज, स्टेट टेररिज्म, वहां की फौज का होना, आप ये सोचें कि व्हाट टू टॉक ऑफ एन ऑफिसर, एक JCO जो है वो किसी घर के अंदर बगैर वारंट के दाखिल हो सकता है, वो वहां से किसी को भी उठा सकता है, वो किसी गाड़ी को रोक सकता है, किसी गाड़ी को वो किसी घर को वो सील कर सकता है। यानी आप इमेजिन करें द इमेंस पावर्स विच दे हैव गिवन बेसिकली टू देयर आर्म्ड फोर्सेस,
और उससे हटके जिस तरह के ओवरऑल कवानीन लेकर आए, नो हु इज गोइंग टू हैव चेक ऑन दीज पीपल के भाई ये जो आप उस पर अगर कोई FIR काटते हैं या किसी कानून को लागू करते हैं, यानी आप ये सोचे एक कानून उनका जो है वो 95 में खत्म हो चुका है लेकिन उसके तहत अभी भी लोगों को एक लिहाज से वो ओके प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, मकसद एक तो ये हो गया। तो दूसरी चीज है यानी कि जब उसके लामहारा एक असर आना है, एक एक, एक रिएक्शन आना है, यही रिएक्शन आप ये देखा है पिछले चंद हफ्तों के अंदर। एक जो दूसरी चीज जो इन कश्मीर के हमारे बहन भाइयों के और स्पेशली यंगस्टर्स के जहन में आई है, उन्होंने अफगान तालिबान को देखा, पिछले 20 साल की उनके जद्दोजहद को देखा, और अगर आपको याद हो अब से आलमोस्ट को 15 साल पहले की बात है, तो बड़े करमफर से अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था कि हमने अफगान तालिबान को ख़त्म कर दिया है, अफगान तालिबान दे आर नो मोर, एंड इमेजिन वही अफगान तालिबान है जो आज पूरा अफगानिस्तान एक्चुअली उनके साथ है। फाइन दे आर फेसिंग लॉट मनी प्रॉब्लम बट स्टिल दे हैव फोर्स के जी हाँ उन सबको निकालें। फिर एक और चीज़ भी देखें, वहाँ की जो लीडरशिप है उस लीडरशिप के साथ जिस तरह का ये सलूक कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द महबूबा मुफ्ती या शेख अब्दुल्ला या उनके बच्चों की या फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑफ दोज कि जो वाकई कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी के साथ हैं, लीड कर रहे हैं, उनको उन्होंने सालों से या तो घरों के अंदर मुकैद किया हुआ है या फिर उन्होंने जेलों के अंदर एक लिहाज से रखा हुआ है, और पूरी जो कश्मीरी क़यादत है इस वक्त या वो आपको जेलों के अंदर नजर आ रही है या अपने घरों के अंदर हाउस अरेस्ट है। फिर अली गिलानी साहब की मैयत के ऊपर जो कुछ उन्होंने जिस तरीके से ड्रामा किया, मतलब शेम ऑन इंडिया, शेम ऑन नरेंद्र मोदी और उसकी शैतानी ट्राइका के ऊपर कि वो जो एक मजहबी रसूमात जो इस्लामी होती हैं ये उसको उन्होंने आके किस तरीके से डिस्टर्ब किया, किस तरीके से उनके जो बच्चे थे उनको उन्होंने डिस्टर्ब करके और फिर उनको डराया धमकाया और उनके जो है वो जस्ते खाकी को वो लेके चले गए और उनकी इवन सोमा शो की नमाज जनाजा तक उन्होंने दाग नहीं करने दी। आप ये देखें ना एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, मिशाल मलिक के हस्बैंड है, फॉर हाउ मेनी इयर्स एक्चुअली ही इज इन द प्रिजन, नोबडी नोस के उन वो किस सिचुएशन के अंदर है या क्या सारी सिचुएशन है। नो ये सारी बातें हैं कि अफगान तालिबान उनके इसके बाद कश्मीरियों के ऊपर जिस तरह का जुल्म तशद्दुद और जबर हो जिस तरीके से हो रहा है, स्टेट टेररिज्म जिस तरीके से हो रहा है, और फिर जो कश्मीरी नौजवानों के साथ किया जा रहा है, ये वो सारे फैक्टर्स हैं कि वो जो लावा पक चुका हुआ है अब वो लावा एक्चुअली वो फटने की तरफ एक लिहाज से चल पड़ा है। ये कुछ भी कर लें बिलाल साहब, ये किसी सूरत के अंदर भी मैं ये समझता हूँ कि ये कश्मीरियों की आवाज को नहीं दबा सकते। एंड लेट मी टेल यू, मैं अक्सर बात करता हूँ कि ये इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग हैं उन्होंने नई दिल्ली की तरफ कई दहाइयों से पीठ मोड़ ली है, वो किसी सूरत में ना नई दिल्ली के साथ रहना चाहते हैं ना चलना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने नई दिल्ली को बाय बाय करके दे आर लुकिंग समथिंग डिफरेंट, सर्टली यस दे वांट टू बी विद पाकिस्तान। और एक मैं आपसे बताऊं, अब इस वक्त क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इतिहाद भी बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, सारा कुछ है, बहुत सारी चीजें आपको उस इस रीजन के अंदर स्पेशली जिसके अंदर इंडिया मौजूद है वो आपको होती हुई नजर आ रही हैं, तो ये वो सिचुएशन है जिसके अंदर अगर इंडिया को आप देखते हैं, अब इंडिया का बायस जो है वो तो आप लद्दाख की तरफ भी देखते हैं, वो तो LOC वर्किंग बाउंड्री और इंटरनेशनल बाउंड्री जो पाकिस्तान के साथ लगती है वो एक लिहाज से उसके साथ देखते हैं। मैं आपसे ये अर्ज करूंगा, नाउ द टाइम हैज कम जहां पर मेरा ख्याल है कि हमें सारे हिसाब किताब इंडिया के साथ बराबर करने हैं। देखिए मैं आपसे साफ बात करूंगा, 1971 के अंदर जिस तरीके की एक हम तो कहते हैं ना कि फिफ्थ जनरेशन वॉर फिर अब शुरू हुई है, मैं ये कहूंगा कि ये इतना मक्कार और इतने ये धोखेबाज और झूठे लोग हैं, ये इंडियन आप गवर्नमेंट की बात करते हैं उस वक्त की भी और अब भी ये बिल्कुल इसी तरह का इनका चलन है, और इंडियन जो इनकी फॉरेन सर्विस है ये तब भी इन्होंने पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकी थी कि बड़ा प्रॉब्लम है जी अब ईस्ट पाकिस्तान के अंदर बड़ा कुछ हो रहा है, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लक्स आ रहा है बेसिकली इनका, ओके मुझे जो मुहाजरीन हैं हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, बड़ा जुल्म हो रहा है वहां के ऊपर, और वो क्या करते रहे मुक्ति भानी को ट्रेन करते रहे। और एक सीधी बात है ना, क्या इंडिया ने किस कानून के तहत चढ़ाई कर डाली थी ईस्ट पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारा बाजू उन्होंने दोलख्त कर दिया था। और थोड़ा सा आगे चलें सियाचिन की बात करते हैं, क्या सियाचिन के अंदर उनका एक लिहाज से आना बनता था, तो यस आई कैन से दे आर इन डीप ट्रबल बिकॉज ऑफ द सियाचिन एंड यस वी आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी विद दैट, बट स्टिल आई वुड से कि बहुत सारा एरिया वो है सर्टली जो हमारा है, तो
क्या वो किसी से परमिशन लेकर आए थे? उससे भी हटके मैं आपसे अर्ज करूंगा, पिछले 20 साल और अब भी इसी तरीके से इंडिया काम कर रहा है, रॉ काम कर रही है, रॉ के या इंडिया के जो नॉन स्टेट एक्टर्स है और स्टेट एक्टर्स दोनों मिलके काम कर रहे हैं, चाहे आप गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं, केपी की बात करते हैं, क्योंकि अब एक्स पाटा इज नो पार्ट ऑफ द केपी, या फिर बलूचिस्तान की बात करते हैं, तो इंडिया तो काम कर रहा है वहां पे। नरेंद्र मोदी भी इसको क्लेम करता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी क्लेम करता है, और फिर उनका जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो भी अमित शाह भी कहता है जी कि हाँ यस दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो मैं ये आपसे कहूंगा कि अगर हमने 80,000 से ज्यादा जाने दी, 16,000 से ज्यादा हमारे आर्मी के ऑफिसर्स जेसीओ और सोल्जर इस वॉर ऑन टेरर के अंदर जो कि एक्चुअली इंडिया ने हम पे मुसल्लत की, किसी और ने नहीं की, तो नाउ द टाइम हैज कम जहां पर मेरा ख्याल है हमने सब हिसाब जो है वो बराबर करने हैं। एंड ये बड़ा इनको जोम है, मैं आपसे बताऊं, चाहे आप नरवाने की बात करें जो इंडियन आर्मी चीफ है, या आप उनका नया जो एयरफोर्स चीफ बना है, अभी कल परसों वो उधर गया हुआ था लद्दाख की तरफ, ये चौधरी एयर चीफ मार्शल चौधरी इसको कहते हैं, तो उसने कहा कि नहीं वी आर प्रिपेयर्ड एंड वी आर प्रिपेयर्ड टू टेक ऑन द चाइना। तो अब जो सिचुएशन है, जो लद्दाख थिएटर जिस तरीके से अब गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आप चाइनीज ट्रुप्स की आप डिप्लॉयमेंट देखते हैं, चाइनीज इक्विपमेंट को मूव करते हुए देखते हैं, चाइनीज का जो ओके जी ऑफेंसिव पोस्चर जिस तरीके से आप वहां उस एरिया के अंदर देखते हैं, इंडिया को जिस तरीके से आप आगे जाते हुए देखते हैं, तो मेरा ख्याल है अब नाउ इज नॉट द टाइम कि हम वो 62 वाली अपॉर्चुनिटी अगर आती है तो उसको मिस कर दें। आई एम वेरी क्लियर व्हाट आई एम टॉकिंग, नाउ वी आर लिविंग इन 2021 और अगले साल 2022 आ रहा है, तो एग्जैक्टली 60 साल के बाद की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। मेरा ख्याल है हमने बेतहाशा कुर्बानियां दी हैं, हमारा बहुत नुकसान हुआ है, हमें बहुत ब्लीड किया इंडिया ने, नाउ इज अ टाइम कि जहां पे हमने इंडिया को उसी की लैंग्वेज के अंदर जवाब देने की जरूरत है जो एक्चुअली इंडिया हमारे साथ करता रहा, या वो जुबान जो उसको समझ आती है। अच्छा सर, यहाँ पे जो है ना, मैं एक तो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जो मेरे ख्याल में इंडियन पब्लिक को नहीं समझ आ रहा, तो आप समझा दें, क्योंकि लेसन जब देने होते हैं तो उन्हें पाकिस्तान से ही सीखने होते हैं, चाहे वो 2019 का हो, लेकिन खैर फिर भी इनको समझ नहीं आती। एक तरफ इंडियन मीडिया और इसके जर्नैल कहते हैं कि तश्वीशनाक बात यह है कि जो इस वक्त फ्रीडम फाइटर्स हैं वो सारे के सारे इंडिजिनस कश्मीरी हैं। दूसरी तरफ इनकी आर्मी चीफ और इनका जो बिपिन रावत है और अमित शाह टाइप की जो मखलूकत हैं, वो बयान देते हैं कि जी इतने बंदे जो हैं वो LOC पे तैयार बैठे हुए हैं इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, एक तो 10 लाख फौज, ऊपर से बाढ़ लगी हुई है। पता नहीं ये अपनी तारीफ कर रहे होते हैं या अपनी इनकॉम्पिटेंसी जो है वो बयान कर रहे होते हैं। और अब हालत ये हो गई है कि सर खुदकुशियों में इजाफा हो रहा है कश्मीर के अंदर, जवान उठता है वो खुद तो मरता ही है, उससे पहले 5-6 लोगों को मार के मरता है। इंतहाई डिमोरलाइज्ड एक आर्मी है जिसे एक तरफ छित्रौल हो रही है लद्दाख में, जिसका आपने जिक्र किया और इसको हम एंड में डिस्कस भी हमने इस पूरी को करना सिग्निफिकेंस को, तो ऐसे हालात में अमित शाह उठता है और वो कहता है कि जी हम एक और सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ये किसे बेवकूफ बना रहा है? ये इंडियन अवाम इतनी बेवकूफ और गई गुजरी है कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से एक तरफ पिछले एक साल से ऊपर हो गए किसान बैठे हुए हैं और इनके मिनिस्टर के बच्चे जो है उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा के मार रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं किसानों के बच्चे अपनी जान हथेली पे रख के LOC पे बैठे हुए हैं, जहां पे ना उनका अफसर उनकी इज्जत करने के लिए तैयार है, ना उनको राशन सही मिल रहा है। वीडियोस बना के वो डालते हैं सोशल मीडिया पे कि जी ये रोटी है और ये दाल है। तो किस सिचुएशन के अंदर और क्या ये एक ब्लंडर पे ब्लंडर कर रहे हैं? डू यू थिंक कि इंडिया सर्वाइव करेगा या फिर हिस्टोरिकली जिस तरह ये 26-27 रियासतें होती थी उस तरफ बढ़ रहे हैं? आई वुड सिंपली से कि जो इस वक्त सिचुएशन इंडिया की है, इट इज नॉट ओनली कश्मीर की, आप बात करें, आप बिल्कुल खालिस्तान की भी बात करें और उससे हट के भी अप नॉर्थ के अंदर भी जो कुछ हो रहा है इंडिया के अंदर, तो सर्टनली देर आर लॉट मेनी प्रॉब्लम्स। और एक मैं आपसे जरूर अर्ज करूंगा कि जिस मुल्क के अंदर ना आप हिंदुत्व को, हिंदू रिचुअल्स को, हिंदू कल्चर को प्रमोट करते हैं, और अगर ऐसा मुल्क जिसके अंदर 25-26% आबादी वो है विच इज नॉन हिंदू, और उनको भी आप फोर्स करते हैं जी कि आपको हमारे साथ मिलके चलना है तो हमारी तरह की जुबान बोले, हमारी तरह के कपड़े पहने, हमारी तरह की रस्में करें, बाकी सारा कुछ छोड़ दें, इट इज नॉट पॉसिबल। तो सर्टली
वहां पर प्रॉब्लम तो आती है। फिर एक्चुअली इंडिया को बिल्कुल ये जोम है कि नहीं, उनके पास तो मे बी 500 ± बिलियन $ के रिजर्व हैं, दे आर वेरी रिच कंट्री, वेल ऑफ है, इकोनॉमिकली बड़े स्ट्रांग हैं और ये बड़ा कुछ सस्टेन कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली टॉकिंग ये सारी हवाई बातें हैं। इन अ वे आपने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया, इस वक्त जो मोरल की स्टेट है इंडियन आर्मी की, आप यकीन माने कि जब इनके सोल्जर्स को पता चलता है, देखे ना अगर इनकी टोटल स्ट्रेंथ 14-14.5 लाख है, उसमें से 8.5 लाख को तो उन्होंने कश्मीर के अंदर डाला हुआ है, अभी ऑलमोस्ट कोई 1 लाख के करीब स्ट्रेंथ जो है वो उनकी उस तरफ जा रही है, लद्दाख थिएटर की तरफ, बाकी तो हमारे सामने एक लिहाज से मौजूद है। सो आई वुड सिंपली से कि यस दे आर इन डीप ट्रबल, इसमें कोई शक नहीं है। और एक तो होता है ना कि आप स्टेट ऑफ मोटिवेशन की बात करते हैं, किसी कॉज की आप बात करते हैं, एंड वन फील्स कि नहीं हाँ बड़ी मोटिवेटेड और बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है, देयर इज नथिंग ऑफ दैट काइंड। दो इंडियन गवर्नमेंट जो है दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि उनको बड़ा अच्छा किस्म का अब वो इक्विप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने 60,000 के करीब जो ट्रुप्स हैं वो तो भेजे हैं लद्दाख की तरफ, और उनको हर तरह का सामान, इस तरह का सारी चीज़ें, फिर वेपन्स उन्होंने इसराइल से प्रक्योर किए हैं, अमेरिका से उन्होंने प्रक्योर किया है। पहले उनकी सिर्फ एक कोर इस इलाके में होती थी, अब तो रफली को 2 कोर्स 3 कोर्स बल्कि एक लिहाज से वहाँ जा रही है। अच्छा, फिर साथ ही उनके मुख्तलिफ तरह के जो है वो डिफरेंट ब्रिगेड्स हैं, फिर क्योंकि उनको ये पता है कि उनके आगे या उनके सामने कौन है, तो ये क्लेम करते हैं जो इंडियन मिलिट्री लीडरशिप है कि जी जितनी स्ट्रेंथ चाइना की है उतनी स्ट्रेंथ एक लिहाज से हमारी है। तो चाइना को तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, 30 लाख के करीब उनकी फौज है, तो उनको मतलब जो उनकी रिसोर्सेज हैं, जो उनकी ओके मेंटेनेंस की कैपेबिलिटी है, जो अदरवाइज भी जो इंडिजिनस प्रोडक्शन है उनके अपने जो जो इक्विपमेंट है वॉर लड़ने के लिए, तो चाइना को तो किसी तरह का कोई मसला नहीं है कि वो अगर इस वक्त उनकी 1 लाख की स्ट्रेंथ है वहां पे, तो दे नॉट टेक मच टाइम कि उसको 3 लाख तक सोर करके ले जाएं, तो इस इंडियन आर्मी केपेबल के इस तरीके से कर सकें। और अदरवाइज भी आप देखें कि इस वक्त भी लद्दाख के अंदर आप चाहे डेस्पांग की आप बात करते हैं, गलवान वैली की बात करते हैं, एंड ऑल दी प्लेसेस, ये जो हायर प्लेसेस हैं, डोमिनेटिंग फीचर्स हैं, एक्चुअली चाइनीज आर्मी तो उसके ऊपर बैठी हुई है, और अब तो उन्होंने मजीद उनको स्ट्रॉन्ग कर लिया है। देर आर 3 बेसिस जो कि एक्चुअली इंडिया को फेस कर रहे हैं, सिर्फ इंडियन ओरिएंटेड है, आप ये कर लें। हालांकि बड़ी क्लेम करती है इंडियन एयरफोर्स के, नहीं जी उनको जब तक वो पहुंचेंगे हमारे बेसिस ज्यादा नजदीक हैं, हम ज्यादा रिएक्शन कर सकेंगे, बट डिपेंड करता है ना कि किस एयरफोर्स की कितनी पोटेंशियल या कैपेबिलिटी है। इनके पास तो वही MiG-29 है जो एक लिहाज से पुराने चल रहे हैं, अभी रफाल तो पूरे होंगे, इसके बाद उनके जो पायलट हैं वो एक्सपर्ट हो गए, तो फिर पता चलेगा ना। अच्छा, इसराइल से ये मुख्तलिफ तरह के ड्रोन भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, बाय एंड दिसंबर इनके पास 4 ड्रोन आएंगे, हेरॉन्स जो हैं, जब 4 ड्रोन आएंगे उसके ऊपर उन्हें मिलिट्री फिटमेंट करनी है या आर्मामेंट को फिट करना है, तो हाउ मच टाइम इज गोइंग टू टेक, किस तरीके से वो कैसे काम करेंगे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, यस यू सी देम इन थिक प्रॉब्लम, इन इसको कहते हैं डीप प्रॉब्लम के अंदर। एक्चुअली आप नरवाने को भी देख रहे हैं, इंडियन एयर चीफ को भी देख रहे हैं, इंडियन आर्मी को और बिपिन रावत को देख रहे हैं, एंड सर्टनली इनको इससे पहले भी जूते पड़े हैं, अब वो ज्यादा पड़ेंगे। और इस दफा सिर्फ ये नहीं होगा कि आप ये कहें कि नहीं वो तो सिर्फ लद्दाख की तरफ से चाइनीज आर्मी आएगी, अब यहाँ पर मौजूद हैं। और मैंने आपसे जैसे अर्ज किया, मेरा ख्याल है नाउ द टाइम हैज कम जहां पर हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं दे हैव रियली टू मेक एक दैट काइंड ऑफ एन ऑफेंसिव पोस्चर या डिसीजन कि हाँ जी अब नाउ और नेवर की बात एक लिहाज से आ गई है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो खुददार कौमें होती हैं और ओके गैरत तो हमीयत की जिसमें एक लिहाज से बात आती है, तो वहां पर फिर आप ये नहीं देखते कि इसके अंदर सूदो ज़िया क्या है। ये भी बड़ी अजीब बात है कि नहीं जी वो जंग करेंगे तो आप इकोनॉमिकली क्या हो जाएंगे। अमेरिका को आप 225 सालों से ज्यादा अरसा हो गया जंग करते हुए देख रहे हैं, वेयर इट स्टैंड टूडे। आप फ्रांस को देख लें, यूके को देख लें, यूके को भी ऑलमोस्ट मुसलसल आप जंगी हालत के अंदर ही देख लें, शैतान तरीन मुल्क है, मैं आपसे ये बताऊं, ठीक है ना। सो एक मैं जरूर आपसे कहूंगा कि जब तक अगर आप ये कहेंगे कि आप पेसिमिज्म के अंदर रहेंगे, डिफेंसिव पोस्चर रहेगा, अपोलोजेटिक रहेंगे, तो इंडियन तो चढ़ चढ़ के बोलेंगे। उनके मीडिया को देख लें, यानी उनको जूते पड़ रहे हैं, इंडियन आर्मी को जूते पड़ रहे हैं, नरवाने की सोल्जर्स को जूते पड़ रहे हैं, स्टिल दिस इज नहीं कि हमने जीत लिया। आप इमेजिन करें उनकी डिटाई का आलम देखें आप इंडियन मीडिया का। सो व्हाट वी से
कि नो एक्चुअली टाइम हैज कम, जहां पर ये जब क्लेम करती थी ना इंडियन आर्मी या बिपिन रावत क्लेम करता था कि वी आर प्रिपेयर टू फाइट ऑन टू फ्रंट्स, तो नाउ द टाइम हैज कम कि जहां पे दोनों फ्रंट्स इनको जूते पड़ेंगे। मैं आपको सर क्या जूते पड़ेंगे सर, S-400 लगा के चाइनीज ने मकबूजा वादी को तो एयर फ्री कर दिया, इंडियन एयरफोर्स नहीं उठ सकती। सेकेंडली जस्ट इमेजिन व्यूअर्स के इंडियन आर्मी आगे बढ़ रही है और इतनी फिक्शन है कि जो कश्मीरी फ्रीडम स्ट्रगल को भी पता है जो वहां पे अपने आजादी के लिए लड़ रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा मौका है। इंडियन आर्मी मूव कर रही है और लोकल पॉपुलेशन उसको आगे बढ़ने नहीं दे रही, इतनी फ्रिक्शन, इधर लड़े उधर लड़े, क्या हालत होगी। तो इंडिया ने अपने लिए, मोदी साहब ने बेसिकली ये जो नेहरू है जो अपने मुल्क को तबाह कर रहा है और हिंदू तबाह के शदाई जो है उसके ऊपर दांत निकाल रहे हैं और इंटरनेट पे बैठ के सोशल मीडिया पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सर यहाँ पे फिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। व्हाट डू यू थिंक के 8 लाख तो इधर रखे हुए हैं, वहां पे एंगेज करता है चाइना और यहाँ पे ये जो है पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से ये धमकियां दे रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक की, तो इस दफा तो सर्जिकल स्ट्राइक का भी बड़ा जबरदस्त किस्म का मिलेगा। तो इस जंग के अंदर अगर इंडिया हम पे इम्पोज करता है तो फ्रिक्शन क्या किरदार अदा करेगी इंडियन डिस्ट्रक्शन में? ये सिग्नल हमारे ऊपर नीचे हो रहे थे, आई वाज अनएबल टू हियर यू प्रॉपर्ली, अगर आप सवाल मुझे मुख्तसर सा एक्सप्लेन कर सकें। सर मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त वही हालत है तकरीबन जो 71 में हमारी थी कि फ्रिक्शन थी कि हम बाहर के दुश्मन से लड़ें या अंदर जो सिचुएशन पैदा इंडिया ने कर दी, तो अब वही सिचुएशन मकबूजा कश्मीर में भी आ गई है कि मैं एक सिनेरियो खींच रहा हूं कि एक तरफ इंडिया पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह इसने कहा अमित शाह ने कि जी हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं और इस दफा पाकिस्तान का तो कोई मूड नहीं है कि किसी किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक पे यानी कि खामोशी इख्तियार कर सके, रिएक्ट तो पाकिस्तान करेगा। एक ऐसे हालात में जब इंडिया हमारे ऊपर जंग इम्पोज करने की कोशिश करता है, उधर से चाइना ने एंगेज किया हुआ है, यहाँ पे कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो इस फ्रिक्शन जो पैदा होगी इंडियंस के लिए वो किस चीज की नवीद लेके आए? सर्टली देखें, अगर अमित शाह की बात करते हैं, एक क्रिमिनल माइंडेड फुलिश आदमी है, मैं आपसे ये बताऊं, क्योंकि वो गुजरात का हिला हुआ है, उसने कहा जी कि वहां पे गुजरात पुलिस उनके पास थी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनके पास थी, उनको साइड पे करके उन्होंने हिंदू बलवाइयों को कहा जी कि इनको सबको जला दो, 2000 से ज्यादा मुसलमानों को जिंदा जला दिया। दिस ही इज एन इंटरनेशनल क्रिमिनल और ये इंटीरियर मिनिस्टर था गुजरात का, तो ये तो इसी तरह की बातें एक लिहाज से करेगा, बट प्रैक्टिकली आपने बिल्कुल ठीक कहा। और याद रखिएगा, जब कोई किसी के लिए गड़ा खोदता है तो भले उसको कई साल बीत जाएं या फिर कई दहाइयां बीत जाएं, उस गड़े के अंदर खुद भी गिरना होता है। नाउ इट इज बेसिकली इंडियाज टर्न, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है, और ये बिल्कुल इनको जूते नहीं, इनको मैं समझता हूँ कि इनको वाकई टाइम आ गया कि जहां पे इनको बिल्कुल इनहिलेट और एलिमिनेट करने की जरूरत है। वाई? बिकॉज इस पूरे रीजन को जिस तरीके से इंडिया ने तहोबाला किया, जिस तरीके से डिस्टर्ब किया अपने पड़ोसी ममालिक को इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, नाउ इज द टाइम के जहां पर कि जहां पर इनसे अब एक एक चीज का हिसाब लेने का वक्त आ गया है। एंड सर्टली आपने बिल्कुल ठीक कहा है, इट इज चाइना ऑन वन साइड, लद्दाख की बात करते हैं, इधर हम यहां पर मौजूद हैं, और पीछे जो है इट इज नॉट ओनली, आप ये कहेंगे कि नहीं सिर्फ आप कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स की बात करते हैं, आप खालिस्तान को भी मत भूलिए, आप वो तमाम तरह की जो तहरीकें इस वक्त चल रही हैं इंडिया के अंदर उनको भी मत भूलें। एंड यस दैट इज द टाइम, वाई? बिकॉज सच्ची बात है तो बहुत बड़ा मुल्क है ना, 135 करोड़ आबादी का मुल्क है, तो सर्टली इसको अप्रोप्रिएटली तकसीम होना चाहिए। वाई? बिकॉज ये जो जाहिल बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी और उसकी उसकी जो बेसिकली जिस तरह के लोग हैं, और स्पेशली उसकी जो एक वो शैतानी ट्रायका है अमित शाह और अजीत डोवल वाली, दे आर इनकेपेबल इनकम्पिटेंट पीपल, ये वार मोंगर और क्रिमिनल लोग हैं, और इनके लिए वो वक्त आ गया। और सच्ची बात है, ये इन अ वे इंडियन वोटर्स के लिए मेरा ख्याल है बहुत बड़ा सबक है कि इन्होंने किस तरह की क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोगों को चूज किया इंडिया के लिए, एंड सी व्हाट इज इंडिया आज किधर ठहरता है एक लिहाज से देखा जाए तो। ओवरऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर ये तो आप कह सकते हैं ये इकॉनमी की, इंसानों की बहुत बड़ी मंडी है,
नेटो भी नहीं बोलता, वेस्ट भी नहीं बोलता, अमेरिका भी नहीं बात करता, यूके भी नहीं बात करता, इवन सो मच सो ये जो अरब कंट्रीज हैं वो भी नहीं बात करते, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। बट अदर देन दैट आप ये देख लें कि वेयर डज इंडिया स्टैंड टुडे आप इंटरनेशनल सिनेरियो के ऊपर। ठीक है, आप ये देखें ना, इस वक्त इन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल का उसको इनका जो रैप है उसको प्रेसिडेंट चुना हुआ है, वहां पर भी हिंदुत्व आपको नजर आता है, वहां पे भी नेगेटिविटी नजर आती है, वहां पे भी आपको क्रिमिनलिटी नजर आती है कि जिन लोगों को वहां पर होना चाहिए, बोलना चाहिए, उनको बोलने का मौका नहीं देता। सो दिस इज जनरली देयर ट्रेंड। एक्चुअली इंडियन आप आर्मी की बात करें, इंडियन आर्म फोर्सेस की बात करें, इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, या फिर बीजेपी की या नरेंद्र मोदी की बात करें, कांग्रेस भी ऑलमोस्ट वाज ऑफ द सेम टाइप, को फर्क नहीं था। कांग्रेस का एक और चीज थी कि उन्होंने कश्मीरियों को जिसको कहते हैं लॉलीपॉप दिए रखा, ये काम चलाते रहे। अब ये बेसिकली मुनाफिक लोग थे, ये जो भी आप कह लें। आप बीजेपी की बात करें, थोड़ा खुल के आए तो अब सारा कुछ क्लियर हो गया, जो पर्दा थोड़ा सा पड़ा था सबके सामने, दुनिया के सामने खुल के सामने आ गया कि दे आर एक्चुअली हार्ड कोर क्रिमिनल्स। ये दुनिया के अंदर नफरत तो तकसीम कर सकते हैं, दहशत गर्दी तो तकसीम कर सकते हैं, लेकिन अमन और मोहब्बत तकसीम नहीं कर सकते। जो इनका नेगेटिव रवैया या रोल रहा है अफगानिस्तान के अंदर, वो भी सारी दुनिया के सामने है। अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस के अंदर इंडियंस ने किसी तरह का कोई रोल प्ले नहीं किया, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि शायद ये बेसिकली खाने को खराब करने वाले तो थे, बट प्रैक्टिकली दे डिड नॉट डू एनीथिंग। तो ये सिचुएशन आपको मैं समझता हूँ बिलाल साहब नजर आती आने वाले दिनों के अंदर, महीनों में, सालों में इंडिया की। अच्छा, अब प्रोग्राम क्योंकि एंड की तरफ हम आ रहे हैं, आपसे एक कॉल करूंगा कि मौजू से उसका ताल्लुक नहीं आज के, लेकिन ताल्लुक है भी। इंडियन सोशल मीडिया आजकल बड़ा उछल रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान को चाइनीज की तरफ से मिले हैं एंटी ब्लास्टिक मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम मिला है, तो वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने कहा है कि हम वेवर दे देंगे S-400 पे। तो ये क्या स्टोरी है? मुझे तो इस पे जो है एक और बेवकूफाना हुज्जतें तराशता हुआ नजर आ रहा है इंडियन मीडिया। ये देखे ना, ये लॉन्ग चेरिश डिजायर है S-400 ले लें, क्योंकि एक्चुअली उनको समझ नहीं आती ना, रशिया के और इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व है बड़ा थोड़ा सा फर्क है उनमें, कोई 60-70 बिलियन का जो फॉरेक्स रिजर्व है रशिया के ज्यादा है, इंडिया के थोड़े से कम है। तो इंडिया एक्चुअली रशिया को ऐसे लेता है कि जैसे उसको अपनी टर्म्स को डिक्टेट करेगा, ये भी आप जहन में रखिएगा। दोनों का जी तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, $5.5 अरब के जो है वो S-400 आएंगे तो वो तो हम खरीद लेंगे, विदाउट रियलाइजिंग कि अभी तो उनको ऑर्डर फर्स्ट करो, उन्होंने प्लेस करना है, एग्रीमेंट होना है, इसके बाद अगर वो मिलता है हाउ मच टाइम दे आर गोइंग टू टेक। तो जब तक तो पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजर चुका होगा। और फिर अगर आप ये भी बात बिल्कुल आपने ठीक है, अगर S-400 चाइना के पास मौजूद है तो हाउ मच टाइम इट विल टेक, वो इस तरफ क्यों नहीं आ सकते, पाकिस्तान की तरफ लग क्यों नहीं सकते। मकसद सिर्फ ये कहने का है, ये अपने लोगों को बेसिकली वार मॉन्गरिंग कंट्री, 70-80 अरब डॉलर सालाना का ये खर्च कर रहा है, आधे से ज्यादा मुल्क वो है जिसके पास एक्चुअली घर के अंदर क्या कोई अच्छे बाथरूम या लैटरिन तक तो है कोई नहीं है। इनका लिविंग स्टैंडर्ड देखें, बॉम्बे दिल्ली के अंदर जाके देखें जिस तरीके से लोग फुटपाथों पे सोते हैं। शेम ऑन एक्चुअली नरेंद्र मोदी और फिर उसकी टीम के ऊपर कि बजाय इसके कि वो इस रीजन के अंदर को पीस के लिए काम करें, कोई साथ मिलकर कोई बेहतरी की काम करें कि एक दूसरे के साथ हम तजारत बढ़ाएं, सारा कुछ करें, ये दहशत गर्दी को एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है, ये इसी तरह की लोग हैं और ये कुछ आपको करते हुए नजर आएंगे। इंडियन आवाम को तरसा देंगे, उनके ऊपर पैसा खर्च नहीं करेंगे। और आप इमेजिन करें कहां पर 80 अरब डॉलर जो इंडिया खर्च कर रहे हैं, कहां पर आप सिर्फ 8 अरब डॉलर खर्च कर रहे हैं और आपने उनकी बोलती बंद की हुई है। एंड नॉट ओनली कि बोलती बंद की हुई है, नाउ वी आर वेटिंग फॉर द राइट मूवमेंट कि कहां पे हमने इनके साथ किस तरह का कैसे सलूक करना है और जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया महसूद के उनको वापस करना है। अच्छा सर, इसमें एक और मैं आपको कमेंट चाहूंगा, अपनी एक मेरी असेसमेंट ये है कि देखिए चाइनीज जो हैं इस वक्त अमेरिकन को प्रॉब्लम दे रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक साइबर और जो बाकी डोमेन्स हैं। आज उन्होंने एक तजर्बा किया पूरी दुनिया, आज खबर आई है कि एक महीना पहले इन्होंने तजर्बा किया था कि पूरी दुनिया का चक्कर लगा के मिसाइल जो है अपने टारगेट के पास गिरा है। अच्छा, इस हालत में S-400 चाइना के पास काफी अच्छे से मौजूद है, तो जाहिर बात है S-400 के ऊपर जो है उन्होंने तजर्बात भी किए होंगे। तो डू यू थिंक कि जब इंडिया को S-400 मिल जाता है
तो उसको इलेक्ट्रॉनिकली जैम करने के, उसको हैक करने के और जो चाइनीज कैपेबिलिटीज हैं वो खराब तो, यानी कि इंडिया के तो किसी काम का नहीं होगा। सेकेंडली जो है रशिया जो है चाइना के जितने करीब है, इस हालत में रशिया भी उस वक्त तक नहीं देगा जब तक कि चाइना को उसे ये पता होगा कि चाइना मेरे से ऑफेंड नहीं होगा। तो बेसिकली रशिया कमाएगा, चाइना कमवाएगा, और जिस वक्त यूज की बात आएगी तो पता चलेगा कि जिस तरीके से ये राफेल पे उछल रहे थे इसी तरीके से हो चुका है, अंजाम हो चुका है और किसी भी काम का नहीं है। अच्छा सर, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया, वो ये रह गया कि नॉन कश्मीरीज के ऊपर हमले हो रहे हैं और ज्यादातर जो है उन हमलों का जो जिम्मेदारी है वो दाइश ले रही है, जबकि जो इंडियन आर्मी के साथ जो फ्रीडम फाइटर्स लड़ रहे हैं वो उनकी तरफ से अभी कभी कोई क्लेम नहीं आया कि वो ये हरकतें कर रहे हैं। तो डू यू थिंक के दाइश के नाम को अल अख्वान जिस तरह इन्होंने 90s में बनाई थी और उस कश्मीरी स्ट्रगल को बदनाम करने के लिए उन्हें यूज किया, तो अब अल अख्वान का नेम चेंज करके इन्होंने दाइश रख दिया? देखिए मैं एक आपसे अर्ज करूं, जो कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं सर्टली जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है उसके अंदर भी उनको अलाव है कि अपनी आजादी के लिए वो हथियार उठा सकते हैं। एक तो वन शुड बी वेरी क्लियर वाई यूजिंग दिस टर्म। दूसरी चीज ये है कि अभी तक कोई भी ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि जहां पे कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स ने अदर देन द इंडियन फोर्सेस किसी और पे हमला किया। और ये भी आप जरूर जहन में रखिएगा कि अगर आप दाइश की बात करते हैं, आईएसआईएस की बात करते हैं, तो ये तो इंडिया के साथ कब से हैंड इन ग्लव ऑपरेट कर रहे हैं, इवन सीरिया के अंदर, इवन फॉर दैट मैटर अफगानिस्तान के अंदर, और अजीत डोभाल के इनसे बड़े करीबी रबते रहे हैं। और एक्चुअली आपने बिल्कुल ठीक कहा, भाई अगर फ्रीडम फाइटर्स ने किसी नॉन कश्मीरी को अगर मारा ही नहीं है, उसके अंदर कोई और इन्वॉल्व है। और मैं यही आपसे कहूंगा कि यही वो जिसको कहते हैं ना कि आप डिस्गाइज के अंदर ये सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट खुद करा रही है, आर ऑफ दैट मैटर उनकी आर्मी एक लिहाज से करा रही है, किसी और का कर कोई और रहे, कर ये खुद रहे। मतलब आप बात करते हैं इंडियन आर्मी की, इंडियन गवर्नमेंट की, और नाम ये कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स का ले रहे हैं कि उनको बदनाम करने के लिए। बट प्रैक्टिकली टॉकिंग फ्रीडम फाइटर्स बेसिकली, क्योंकि उनको पता है ये वो बच्चे हैं जिस तरीके से उन्होंने वेपन्स उठाए, इसके अलावा उनके पास रास्ता कोई नहीं था। वो बचपन से आग और खून को देखते चले आ रहे हैं, अपने घरों को तबाह बर्बाद होते देखते चले आ रहे हैं, अपने घरों को खत्म होता हुआ देखते चले आ रहे हैं, अपनी खवातीन के साथ, माओ बहनों बेटियों के साथ जाते हैं। एक्चुअली ये कश्मीरी नौजवानों के होते हुए ये सब कुछ हुआ है। तो सर्टनली वो एक रेज है, गुस्सा है, लेकिन वो है इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर, वो उनका गुस्सा है बेसिकली जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं इंडिया की, इससे हटके वो किसी पे फिलहाल कोई कुछ नहीं कर रहे। आगे आगे जो सिचुएशन होगी तो मेरे ख्याल है सबके सामने आ जाएगी, बट डेफिनेटली ये वो टैक्टिक्स है कि जी जो कि कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को बदनाम करने के लिए नरेंद्र मोदी की हुकूमत कर रही है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन, कब तक आप देख रहे हैं कि कश्मीर इंशाल्लाह आजाद हो रहा है? आई फील के मेरा ख्याल आप ज्यादा टाइम नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरीके से चीजें डेवलप हो रही हैं ओवरऑल पूरी दुनिया का बायस आप इस रीजन की तरफ देखते हैं, तो जब आप दुनिया की कुवतों को एक रीजन के ऊपर फोकस देखते हैं, इंडिया, उसका सराउंडिंग एरिया, साउथ चाइना सी की बात करते हैं, ऑकस आ गया बीच में, क्वाड वाले सारे के सारे आ गए, तो कोई अच्छी खबर तो नहीं हो सकती ना फिर इंडियंस के लिए, जो आप मर्जी है कह लें इसको। इंडिया को तो एक्चुअली उन्होंने जिसको कहते हैं कि वो गधे के तौर पर इस्तेमाल तो कर लेना नरेंद्र मोदी जैसे शख्स को, लेकिन इंडिया के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, मैं आपसे ये बताऊं। बट सर्टनली वी आर टॉकिंग अफगानिस्तान के अंदर नेटो आई, अमेरिका आया, इंडिया वहां पर बैठा हुआ था, और जो कुछ पाकिस्तान के साथ आपने होते हुए देखा पिछले 20 सालों में, मेरा ख्याल है हम में से कोई भूला तो नहीं है। तो लाइक वाइज अगर ये सिचुएशन होती है और ये सारे के सारे इंफ्रक्ट जो है वो इस रीजन के अंदर आता है, तो देन हु इज गोइंग टू सफर? सर्टली इंडिया, क्योंकि इंडिया तो इससे पहले बड़े मौज मस्ती करता रहा है। जब इस पूरे रीजन के अंदर इतनी प्रॉब्लम थी, पाकिस्तान को उसने खून में नहलाया हुआ था, तो वहां पे तो बड़ी महफिलें चल रही थी, आईपीएल चल रहा था, बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही थी, बट नाउ इट इज बेसिकली द इंडियाज टर्न, और उनको पता चलेगा कि खून क्या होता है, ब्लड क्या होता है, और पसीना किस तरीके से होता है, और पसीने छूटते कैसे हैं, और वो भागते कैसे अपनी बंदूकें छोड़ के। ये आने वाला वक्त नजदीक है बहुत इनके। सर बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शहीदों का खून रंग लाएगा। इंडिया ने अपनी बर्बादी का खुद 5 अगस्त 2019 को
जो है बुनियाद रख दी थी, और अब यूँ महसूस हो रहा है कि चीज़ें अपनी कंक्लूजन की तरफ जा रही हैं। इंशाल्लाह कश्मीरी खून रंग लाएगा और वो दिन दूर नहीं है, सालों की बात नहीं है, कुछ साल ज़रूर हैं, शायद एक या दो साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। अगले एनालिसिस तक के लिए मुझे मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान को और चैनल असलम को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।